Listen, class. Our next topic is centriole. Centriole पढ़ने से पहले हम एक रिलेशनशिप की बात करेंगे. रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, सीलिया एंड फ्लैजेला. As you know, when we draw the structure of cell, this is nucleus. Nucleus के एक साइड में हम ऐसा साइटोप्लाज्म ड्रॉ करते हैं जिसमें केवल सेंट्रियोल प्रेजेंट है और दिस सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन ए पेयर. एक पेयर में प्रेजेंट होगा और ये पेयर नाइन रोड लाइक स्ट्रक्चर से बना होगा जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और इनको हम बोलते हैं डिप्लोसोम. और ये साइटोप्लाज्म इसमें कोई भी और सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा एक्सेप्ट सेंट्रियोल. दिस इज कॉल्ड सेंट्रोस्फियर. दिस इज सेंट्रोस्फियर. Then if we combine these both diplosome and centrosphere, it is called centrosome. इसका मतलब जो सेल ऑर्गेनेली है, सेल ऑर्गेनेली इज सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ टू सेंट्रियोल और सेंट्रियोल दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर दैट इज कॉल्ड डिप्लोसोम. इन दिस सेंट्रियोल वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन इज covering membrane in the centriole. There is no DNA in the centriole. This is very important thing. DNA bhi absent hota hai, par ek aur jo inki important thing hai, DNA is absent but they can replicate. Replicate ka matlab hai centriole replicate karke aur centriole bana sakte hain. Kaise bana sakte hain? Ki jab hum centriole ka structure padhenge to aapko usme ek structure bataungi main that is responsible for the replication of सेंट्रियोल. देन व्हाट अबाउट द बेसल बॉडी. बेसल बॉडी क्या है? ये यहां प्रेजेंट है जस्ट बिलो द सेल मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म. इनसे इस टाइप के स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं. अगर स्ट्रक्चर ऐसे हैं देन दीज आर कॉल्ड सीलिया. अगर स्ट्रक्चर ऐसे हैं देन दे आर कॉल्ड फ्लैजेला. सिंगुलर इज फ्लैजेलम एंड सिंगुलर ऑफ सीलिया इज सीलियम. फिर हम बेसल बॉडी की अगर बात करें, बेसल बॉडी इज इंटर कन्वर्टिबल विद सेंट्रियोल. सेंट्रियोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेसल बॉडी. बेसल बॉडी कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेंट्रियोल. बेसल बॉडी का एक और नाम है ब्लिफेरोप्लास्ट. अगर हम सेंट्रियोल की बात करें, सेंट्रियोल आर एब्सेंट इन हायर प्लांट. एंजियोस्पर्म में भी प्रेजेंट नहीं होते. टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इनमें सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं. देन व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल. जब आप सेल डिवीजन का चैप्टर पढ़ेंगे, जस्ट मैं आपको ये डायग्राम बता रही हूँ. जब आप सेल डिवीजन का चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इस टाइप का एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. इट लुक लाइक स्टार. इट इज कॉल्ड एस्टर. They help in formation of ester during cell division. फिर जब आप सेल साइकिल पढ़ेंगे तो आप उसमें डिफरेंट फेजेस पढ़ेंगे कि सेल साइकिल में सेल पहले किस फेज में होती है, फिर किस फेज में जाती है. तो उसमें एक फेज पढ़ते हैं आप जीवन एंड जीवन फेज. सेकेंड इज एस फेज. जीवन फेज को बोलते हैं फर्स्ट गैप फेज. एस फेज को बोलते हैं सिंथेटिक फेज. During these phases, replication of centriole take place. फिर एक और हम structure पढ़ेंगे centriole का. अगर centriole का structure है और आपको basal body का पूछा जाता है, आपने same structure बनाना है. Because there is no difference in the structure of centriole and basal body. Cilia and flagella they arise from the basal body.
their structure is somewhat different from the structure of centriole and basal body. But all these, they are made up of protein, tubulin. Tubulin protein जो है उसका maximum role है इनकी formation में. Then first, structure of these basal body or centriole. सेंट्रियोल आपको बताया भी है. सेंट्रियोल दीज आर फाउंड इन एनिमल सेल एंड दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. देन सेंट्रियोल दे आर अब्सेंट इन प्लांट सेल. देन सेंट्रियोल दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर. दिस पेयर इज कॉल्ड डिप्लोसोम एंड द साइटोप्लाज्म विच इज हैविंग द सेंट्रियोल दैट इज कॉल्ड सेंट्रोस्फियर. सेंट्रोस्फियर एंड सेंट्रियोल दे जॉइन टू फॉर्म सेंट्रोसोम. देन स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल. सेंट्रियोल में आपने काफी जगह एक वर्ड पढ़ा होगा, दे आर हैविंग द 9+2 अरेंजमेंट. वट आर दिस 9? दिस 9 वर्ड आर यूज फॉर द माइक्रोटिब्यूल्स. इनके यूनिट है, जैसे ये मैं एक यूनिट बना रही हूं, इसको नाम दिया ए. अब ये एक्चुअल में क्या है, ये यूनिट हो गया है जो किससे बना हुआ है. यहाँ मैं 13 चौक रख देती हूँ और इनको मैं नाम दे देती हूँ माइक्रो ट्यूब्यूल्स. तो इसमें जो ए पार्ट है वो 13 माइक्रो ट्यूब्यूल से उसकी वॉल बनी हुई है और बीच में क्या है, बीच में एम्प्टी स्पेस है जिसको ल्यूमन बोलेंगे. इसके साथ फिर एक और पार्ट है बी. अब आप यहाँ बी देख रहे हैं, बी कंप्लीट सर्कुलर नहीं है. इसका मतलब बी में 13 माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल वो ए के भी शेयर कर रहा है. फिर एक और यूनिट होगा सी. जब हम सी बना रहे हैं तो यहां पर सी में भी कंप्लीट 13 माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है. अब आपने ध्यान रखना है जहां ट्रिपलेट आएगा वहां ये बीच में 2 कैंसिल हो जाएगा, और जहां डबलेट आएगा, डबलेट का मतलब ए और बी, वहां 2 साथ में आएगा. तो अगर हम बात करते हैं सेंट्रियोल और बेसल बॉडी की, तो वहां जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं दे आर फाउंड इन ट्रिपलेट. तो अरेंजमेंट क्या होता है, 9+0. फिर अगर हम बात करते हैं सीलिया और फ्लैजला की, वहां जो माइक्रोट्यूब्यूल है ट्रिपलेट में नहीं मिल रहे हैं, डबलेट में मिल रहे हैं, एंड अरेंजमेंट इज 9+2. अब बात करें व्हील ऑफ साइकिल. आप देखते हैं उसमें बीच में पॉइंट है, उससे रोड्स जा रही हैं, और जब वो पहिया घूमता है तो वो रोड्स भी घूम रही हैं जो उसके तारे लगी हुई हैं. अगर खूब सारी तारे उसकी कट कर दी जाए तो व्हील की मूवमेंट रुक जाएगी. सेम इज हेयर. यहां आपको कैसे बनाना है, पूरा अरेंजमेंट ऐसे है सर्कुलर. ये सर्कुलर का मतलब इसका पूरा डायमीटर हो गया 360, और इसमें हमने 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट बनाने हैं. तो इसका मतलब है हर ट्रिपलेट कितने एंगल पे बनेगा, 40 डिग्री पे. बीच में एक सेंटर में प्रोटीनेशियस पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे हब. अब यहां से माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट बनाने शुरू करते हैं. दिस इज ए. ए माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट ए. देन दिस इज बी एंड दिस वन इज सी. दिस इज माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट. अब सी से आप एक लिंकर ला लो. लिंकर का मतलब है जो लिंक करेगा. फिर इसको आप डाल दो ए बी एंड देन सी. फिर सी से आप एक लिंकर डालो ये लिंक करने के लिए. ए इज कंप्लीट.
कंप्लीट का मतलब है इट इज मेड अप ऑफ 13 माइक्रोफिलामेंट, बी इज इनकम्प्लीट, सी इज फर्दर इनकम्प्लीट। अब यहां से ये रेडियल का मतलब जो चारों तरफ ऐसे रेडिएट कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं रेडियल स्पोक, ये जा रहे हैं। इनको अपने ए तक लेके जाना है, फिर यह थिक पोर्शन बना देना है और इनको ऐसे बीच में बनाना है क्योंकि हमने व्हील अरेंजमेंट दिखाना है। अब इनको जो आपने स्पोक बनाए हैं इसके साथ ज्वाइन करेंगे, ये ऐसी सेम या ए के पास ले आओ, फिर इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करो, फिर इसको इसके साथ जोड़ दो। ऐसे आपने 9 माइक्रोटिब्यूल ट्रिपलेट बनाने हैं, बीच में हब बन गया है और इसको हम बोलेंगे रेडियल स्पोक। दिस इज रेडियल स्पोक एंड दिस इज एसी लिंकर एंड ये जो थिकनिंग दिखाई है एक्स एंड वाई, तो ये पूरा का पूरा ऐसे रेडियल स्पोक बन जाएगा। देन फंक्शन ऑफ दिस सेंट्रियोल, सेंट्रियोल इट हेल्प इन सेल डिवीजन। फिर अगर हम स्पर्म की बात करते हैं, स्पर्म में 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है और दूसरा सेंट्रियोल दैट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ए फिलामेंट, दैट इज कॉल्ड प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल इट हेल्प इन सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट एंड डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल से एक लंबा फिलामेंट बनता है, जैसे ये मैं बना रही हूँ। प्रोक्सिमल का मतलब होता है आगे वाला, डिस्टल का मतलब पीछे वाला, इससे एक लंबा फिलामेंट बनता है जिसको बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रियोल, दिस इज द अरेंजमेंट। दीज आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल दीज आर साइटोस्केलेटल एलिमेंट, जो हमारी सेल का स्केल्टन बना रहे हैं। तो ईच माइक्रोट्यूब्यूल इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। नेक्स्ट वी विल डू द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेलम। लेसन क्लास हियर आर प्रेजेंट, आपको 9 साइड पेन बनाने हैं, ये दीज आर कॉल्ड मेस्यूल और पेरीसेंट्रियोलर बॉडीज, दीज आर मेस्यूल और पेरीसेंट्रियोलर बॉडी। जैसे आपको बताया था कि सेंट्रियोल में डीएनए नहीं होता फिर भी रेप्लीकेट करते हैं, दीज आर विद द हेल्प ऑफ दीज मेस्यूल और पेरीसेंट्रियोलर क्लाउड विच आर एसोसिएटेड विद न्यूक्लिएटेड पार्टिकल्स। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेलम, इसमें हम लेके चलते हैं दे आर हैविंग एक्सोनीम, एक्सोनीम का स्ट्रक्चर करेंगे हम। एंड अरेंजमेंट इज दैट इज सीलिया एंड फ्लैजेलम, स्ट्रक्चर इज 9+2, 9+2 का मतलब 9 आर डबलेट एंड इन द सेंटर आर प्रेजेंट 2 माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट, दीज आर 2, इनको C1 और C2 भी बोलते हैं, ये दोनों आपस में जॉइंट हैं। और फिर अभी सीलिया फ्लैजेला कहाँ कहाँ मिलते हैं आप पूरी बायो में जब कंप्लीट हो जाएगी आपको जगह जगह पता लग जाएगा कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें सीलिया फ्लैजेला मिलेंगे, हमारी बॉडी में सीलिया कहाँ मिल रहे हैं। दिस इज कवर्ड बाय ए शीथ, ये दोनों एक शीथ से कवर हैं। फिर यहां बनाएंगे माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, ए इज कंप्लीट, ए इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट विच आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन एंड बी इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट है इसलिए कुछ प्रोटोफिलामेंट ए के शेयर कर रहे हैं।
फिर अगर हम बात करते हैं ए बी लिंकर, ये इसको अलग टाइप से कर ले, दिस इज ए बी, ए बी लिंकर, ए के साथ दो आर्म होंगी, इनर आर्म एंड आउटर आर्म। इनर आर्म दैट इज एसोसिएटेड विद बी एंड आउटर आर्म दैट इज एसोसिएटेड विद, दिस इज इनर आर्म, दिस इज आउटर आर्म। आउटर आर्म में हुक लाइक एक्टिविटी होगी, आर्म्स दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कार्ड डाइनिंग, डाइनिंग के साथ विद एटीपेस एंजाइम एक्टिविटी। एटीपेस का मतलब जो एटीपी को ब्रेक डाउन में हेल्प करेगा, क्योंकि जब सीलिया और फ्लैजला मूव करेंगे दे नीड एनर्जी। बी को आपने इनकम्प्लीट बनाना है, ये थोड़ा मैंने रोटेट कर दिया है ए और बी का डायग्राम। फिर ए बी लिंकर, दीज आर ए बी लिंकर, ए बी लिंकर दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन नेक्सिन। तो इस टाइप से आपने डायग्राम कंप्लीट करना है, अपने ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट बनाने हैं। अब यहां से मैंने दिखाया कि ये कैसे रोटेट कर रहा है, जस्ट मूवमेंट में दिखाया है, एक्चुअल में क्या होता है। एक्चुअल में दिस इज ए एंड दिस इज बी, यहां से एक स्पोक आएगा, स्पोक का ये हेड पोर्शन, ऐसे ही दिस इज ए, इसकी ये दो आर्म्स दिखानी है, ए टू आर्म्स अटैच्ड विद बी ए बी लिंकर, फिर एक स्पोक, स्पोक हेड, इसको भी हम रोटेट कर देते हैं, दिस इज ए बी, ए बी से दो आर्म दिखा देते हैं आपको, दोनों पोर्शन मैंने दिखा दिए हैं कि कैसे ये रोटेशन की पोजीशन में होगा और कैसे तब होगा जब रोटेट नहीं कर रहा है। दिस इज फर्दर ए एंड बी, ए बी लिंकर, ए से फिर स्पोक हेड आ रहा है, ये इसके साथ कनेक्शन रहेगा, इनका सभी स्पोक हेड का कनेक्शन रहेगा। इस कनेक्शन को बोलते हैं ट्रांजिशनल कनेक्शन। अरेंजमेंट इज 9+2, 2 सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है, ए माइक्रोट्यूब्यूल कंप्लीट है मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट एंड दीज प्रोटोफिलामेंट दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन। बी इनकम्प्लीट है पर ए थोड़ा नैरो है ड्यू टू क्लोज एसोसिएशन। बी कुछ प्रोटोफिलामेंट ए के शेयर कर रहे हैं, ए के पास दो आर्म है, इनर आर्म एंड आउटर आर्म। जो आउटर आर्म है उसकी हुक लाइक प्रोसेस से वो बी के साथ ज्वाइन करता है, इसको ए बी लिंकर बोलते हैं। ए बी लिंकर बना हुआ है नेक्सिन प्रोटीन, जो आर्म है वो बनी हुई है डाइनिन से, डाइनिन प्रोटीन है इसके साथ एसोसिएटेड है एटीपेज एंजाइम एक्टिविटी, क्योंकि जब सीलिया और फ्लैजला मूव करेंगे तो ये जो डबलेट हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, स्लाइड करने के लिए इन्हें एनर्जी की जरूरत होगी, दैट इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी, वो एनर्जी एटीपी प्रोवाइड करेगा और ये इसमें आपस में स्लाइडिंग होगी, एनर्जी प्रोवाइड करते हुए जो एटीपी है उसका ब्रेक डाउन होगा। फिर ए से ऐसे ही 9 स्पोक हेड आएंगे, ये भी सब 40 के एंगल पे मिलेंगे, 9 स्पोक हेड इसके साथ ट्रांजिशनल, तो ये सब आपस में कनेक्टेड हैं और एक व्हील की तरह से रोटेट करेंगे। फिर हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस इन द मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला एंड हाउ कैन यू आइडेंटिफाई सीलिया एंड फ्लैजला। आपने अगर ये पैरामीशियम का डायग्राम
देखा हो, नाइन्थ में आपने पढ़ा भी है, सीलिएट है इस पे, ये छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोसेसेस हैं, इनको सीलिया बोलते हैं। और कोई भी सीलिया ऐसा नहीं है जो विदाउट बेसल बॉडी ओरिजिनेट कर सके। इनके नीचे साइटोप्लाज्म में ये बेसल बॉडी होंगी, जिनमें क्या अरेंजमेंट बताया हमने, 9+0। दीज आर सीलिया एंड सीलिया और फ्लैजला, बैक्टीरिया की सेल बनाते हैं आप, उसमें बनाते हैं यहाँ बेसल बॉडी, बेसल बॉडी से हुक निकल रहा है और फिर उससे ये फिलामेंट जा रहा है, इसको फ्लैजला बोलते हैं। नंबर ऑफ फ्लैजला इज ऑलवेज लेस एज कंपेयर टू नंबर ऑफ सीलिया। और मूवमेंट में क्या फर्क है, जो फ्लैजला है फ्लैजला में अंडुलेटिंग मूवमेंट होंगी। अंडुलेटिंग मूवमेंट का मतलब है ये वेव लाइक मूवमेंट, सीलिया की मूवमेंट, ये है सीलिया सभी, सपोज ये बहुत सारे सीलिया हैं, ये ऐसे गिरे पड़े हैं, जैसे ये हाथ है, ये फिंगर ऐसे गिरी हुई है, ये तो इनका हो जाएगा रिकवरी स्ट्रोक। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, आप अगर बोट में बैठे हैं, वैसे इमेजिन कर लें कि बोट है और आपके पास एक रोड है जिसको ओर बोलते हैं, चप्पू बोलते हैं, उसको आप ऐसे लटका के रखेंगे, उसको ठीक से स्टेट करेंगे और ऐसे पानी को करेंगे तो बोट आगे की तरफ जाएगी। ऐसे ही जब ये पावर स्ट्रोक में आते हैं तो ये इनमें फुल पावर हो जाती है, ऐसे सीधे हो जाएंगे ये पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में फिर ये मीडियम, जिस भी मीडियम में ऑर्गेनिज्म है ये मूव कर रहे हैं तो उस मीडियम में ये मूवमेंट करते हैं, दिस इज पावर स्ट्रोक। सपोज ये सीलिया है, एक मूवमेंट तो होगी 1/1, मोनोक्रोनस बोलते हैं। एक मूवमेंट होती है जिसमें सभी सीलिया इकट्ठे मूव कर रहे हैं, इकट्ठे उनका पावर स्ट्रोक है और इकट्ठे उनका रिकवरी स्ट्रोक है, इस मूवमेंट को बोलते हैं सिंक्रोनस मूवमेंट। दिस इज ऑल अबाउट सीलिया एंड फ्लैजला। देन मेन फंक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला इज मूवमेंट। एग्जाम्पल हम ऐड करते रहेंगे जैसे जैसे हम आगे बायो को पढ़ेंगे।